This. This contains my power. Long ago, this naive vessel of mine set about devising new spells. The fool dreamt of bringing new forms of magic into the world. But instead, he created me. <laughs> <laughs> Go along. <laughs> now you're getting nervous. Hmm? अस्सलाम वालेकुम एंड क्या हाल चाल है उम्मीद है फिटफाट हो गए खैर खैरियत से हो गए तो जैसा कि आज की वीडियो का ट्रेलर देखने के बाद आप लोगों को भरपूर तरीके के साथ चश आई होगी और अगर अभी भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दो एंड जो भी बंदा चैनल पे न्यू है ना सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम टेन के बहुत ही ज्यादा तो खैर जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि अगर आपके भाई के इस वीडियो पे वन के लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं ना तो नेक्स्ट वीडियो इन्वेंट्री टूअर के ऊपर आएगी तो आप लोगों ने मेरी सोच से भी ज्यादा जल्दी बन के लाइक्स कंप्लीट करवा दिए मुझे रात तीन बजे उठ के ये इन्वेंट्री टूर वाली वीडियो बनानी पड़ी बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोग हर वीडियो के ऊपर बन के लाइक्स कंप्लीट करवा सकते हो लेकिन करवाते नहीं हो तो खैर जैसे आप लोगों ने पिछली वीडियो के ऊपर प्यार दिखाया था वैसे ही आप लोगों ने इस वीडियो के ऊपर भी प्यार दिखाना है एंड बन लाइक्स कंप्लीट करवाने हैं आज से जितनी भी डिरी गैंग है ना वो सारे सुन लो हमने हर वीडियो के ऊपर ना अपना वन के लाइक्स का टारगेट रखना ही रखना है ताकि हमारे हर वीडियो के ऊपर वन के लाइक्स कंप्लीट हो ही हो तो ठीक है डील डन होगी जी इधर आओ हाथ में ला लो ठीक है तो इसी के साथ अब चलते अपने क्लचेस की तरफ यहाँ पे उमर भाई नोक हो जाते और इतनी देर में पूरा का पूरा स्क्वाड होता है जो कि हमारे ऊपर रश करवा देता है तो इसी के साथ यहाँ पे मैं तीनों बंदों को इजीली नोक कर देता हूँ और पहले बंदे को मैं एक के हेड्स करवा देता हूँ दूसरा बंदा मेरे प्री फायर में आ जाता है और तीसरा बंदा मेरा जिगल नहीं पकड़ पाता तो विदाउट एच पी लूज करे यहाँ पे अपना क्लच कंप्लीट हो जाता है और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लच की तरफ अब इधर पूरा स्क्वाड मेरी बिल्डिंग के नीचे होते हैं और इन बंदों को मैंने चैलेंज किए होते हैं अपार्टमेंट आने का और ये अरबी होते हैं तो इसी के साथ अब ये वाले बंदे मेरे ऊपर रश करवाने लगे और अन्य वहाँ रश करवाने लगे हैं तो खैर इसी के साथ अपना यहाँ पे क्लच कंप्लीट होता है और अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वन वी फोर की तरफ लेकिन उससे पहले मैं बताता चलूँ कि बहुत से बंदे मेरे से पूछ रहे थे कि डीरी भईया आपने अकाउंट कहाँ से लिया है तो वो चीज़ मैं आप लोगों को आगे चल के डिटेल्स के साथ बता दूंगा और इसी के साथ अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वन वी फोर की तरफ अभी इधर मैं रिकॉल होकर लैंड हो रहा होता हूँ और मेरे पास सिर्फ एक ऊजी होती है तो खैर इसी के साथ मैं इन बंदों को इजीली डाउन कर देता हूँ और अब चलते अपने नेक्स्ट क्लच की तरफ अब इधर पूरी की पूरी गाड़ी होती है जो कि मेरे ऊपर रश करवा देती है मैं इधर अपार्टमेंट में बैठा होता हूँ और ये वही क्लच होने वाला है जो आप लोगों ने ट्रेलर के अंदर देखा तो इसी के साथ मैं पहले चेक करता हूँ कि मेरी रिकॉर्डिंग ऑन है या नहीं अक्सर ये होता है मेरे साथ कि मैं क्लच मार लूँ मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ ही हो होती है तो खैर ये वाले बंदे ना मुझे सिंगल समझ के बहुत ही ज़्यादा हल्के में ले रहे थे और अन्य वहाँ मेरे ऊपर रश करवा देते लेकिन इनको क्या पता था डिरी भी एक चीज़ है एक बलादना है तो खैर क्लचिस तो आपने बहुत से बंदों के देखे हो लेकिन जो फील है ना वो आप लोगों को डीरी के क्लचिस में मिलेगी तो खैर अब चलते अपनी वीडियो के लास्ट क्लच की तरफ और उसके बाद चले गए हम सीधा इन्वेंट्री के ऊपर अब मैं इवेंट पे उतर होता हूँ और मैं देख रहा होता हूँ कि कोई स्कॉड मिले प्रोपर मैं उनके ऊपर वन वी करूं। लेकिन इतनी देर में सामने से मुझे साउंड आ जाता है Nice. और ये बंदे फुल टाइम घातक सीन करके बैठे होते हैं प्रॉपर घात लगा के मुझे भी नहीं पता था कि ये बंदे इधर बैठे हुए हैं तो इसी के साथ चलते हैं अब अपने इन्वेंट्री टूर के ऊपर तो खैर मैं बताता चलूँ कि बहुत से बंदे प्राइस पूछेगी अकाउंट की तो यार प्राइस वीडियो में नहीं बता सकता। मेरे घर वालों को पता लग गया ना मैंने इतना महंगा अकाउंट लिया है तो यू नो चपेड़े मारनी है मेरे घर वालों ने मुझे तो इसी के साथ पहले मैं बताता चलू कि बहुत से बंदे पूछ रहे थे कि भाई आपने आई डी से ली तो आप लोगों को ये स्क्रीन पे मेरा टिकटॉक शो हो रहा होगा ठीक है ये चीज़ें मैं यूट्यूब के ऊपर नहीं बता सकता क्योंकि भाई स्ट्राइक्स वगैरह आ जाती होती है और यू नो टेंसेंट की तरफ से तीन स्ट्राइकें आती है सीधा चैनल रिमूव तो ये चीज़ मैं आपको इधर नहीं बता सकता आप लोग मेरे टिकटॉक अकाउंट पे जाओ स्क्रीनशॉट आप लोगों को शो हो रहा होगा उधर आप लोग फॉलो भी कर लेना और जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है ना ज़्यादा से ज़्यादा तीस सेकंड की वीडियो तो वो है। वीडियो आप लोग देख लेना और आप लोगों को भरपूर तरीके के साथ सारे चक्कर की समझ लग जाएगी और मेरे अपने भाई का काम है ठीक है तो फुल टाइम ट्रस्टेड वाला सीन है सारी जिम्मेदारी मेरी है और कोई टेंशन वाला चक्कर ही नहीं है तो इसी के साथ अब चलते अपने अकाउंट की इन्वेंट्री टूअर के ऊपर सबसे पहले आते हैं गन लैब के ऊपर अपनी तो यहाँ पे आ जाती है अपनी भाई कार 98 एट गोड जिला वाली जो कि फुल तबाही किस्म की और बहुत ही ज़्यादा ओल्ड और एम टू फोर यहाँ पर अपनी लेवल फोर है सेवन सीज वाली आई थिंक और थॉमसन स्नो थीम वाली है ये भी लेवल फोर है किल मैसेज है और बैरल लेवल वन है और उसके बाद आते हैं अपनी एम फोर लेजर्ड के ऊपर ठीक है लेजड यहाँ पे लेवल फोर है और इन इसको आगे चल के मैक्स भी करेंगे और ए के वगैरह को भी मैक्स करेंगे तो लेज़ड भी भाई तबाही लगती है फाइनल फॉर्म हो गए लेकिन ग्लेशियर वगैरह एक आधी डिफेक्ट वाली होनी चाहिए अकाउंट में लेकिन वो नहीं है तो इसी के साथ यहाँ पे बाकी जो बेसिक गने हैं वो लेवल वन और लेवल टू है यहाँ पे अपनी आ जाती है गोल्ड प्लेटेड वाली ए के एम ए के एम सेवन सीज तो इसी के साथ ये भी लेवल फोर है और इसको भी फाइनल फॉर्म करेंगे जल्दी बहुत और ऊपर जाके जो मतलब के मेन गने हैं ना इस अकाउंट में तो वो सारी लेवल फोर है और उसके अलावा जो बहुत कम यूज़ होने वाली है ना तो वो लेवल टू या लेवल थ्री है ज़्यादातर तो इसी के साथ ये डीपी देख लो स्कारल देख लो ये भी लेवल वन है यहाँ पे बैरल लेवल फोर है एम थ्री लेवल टू है लेवल थ्री कर सकता हूँ लेकिन अभी नहीं करने लगा मैं ठीक है तो इसी के साथ बैरल का किल मैसेज देखो तबाही किस्म का और हिट इफेक्ट भी तबाही है और ये बैरल भी तबाही है तो इसी के साथ अब यू वगैरह ये रॉयल पासिस वाली और ओग वग़ैरह ये छोटी मोटी गन स्कीम्स है और टोटल चौबीस की इसमें गन लैब है तो आप लोगों ने गन लैब वगैरह देख ली है अब चलते हैं ज़रा सूट्स वगैरह के ऊपर तो एक सूट इधर आपके भाई के पास सबसे पहले तो ये वाला आ जाता है और इसके बाल ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं यू नो बाल के साथ साथ सब कुछ बढ़ा है तो इसी के साथ दूसरा सूट ये है हमारे पास और तीसरा एक सूट फेरो है फ़ेरो मेरे पास लेवल टू है इसको अगर एक सूट को ही मैं अपग्रेड करता हूँ तो फ़ेरो ही करूँगा ठीक है क्योंकि भाई यही मज़े का लगता है ज़्यादा गोल्डन वाला फुल लुक प्रीमियम लुक देता है एक तो अब चलते हैं ज़रा अपनी गाड़ियों के ऊपर कौन कौन सी गाड़ी है आपके भाई के पास मुझे पता है आप लोगों को इन्वेंट्री का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है रुको ज़रा सब्र करो इन्वेंट्री की तरफ भी चलते हैं तो इसी के साथ हमारे पास सबसे पहले ये वाली गाड़ी आ जाती है ठीक है गोल्डन मैं इसको अपनी गोल्डन फार्चुनर बोलता हूँ और पता नहीं यार रही है फॉर्चुनर में कहाँ से मिलती है लेकिन जो भी हो मैंने इसका नाम रख दिया हुआ है तो खैर उसके बाद ये अपनी डासिया की स्किन आती है ये वाली ये मिथिक गाड़ी है मेरे पास और ये अपनी कोप की स्किन यू नो टू सीटर तो ये भी बड़े मज़े की है चलते हुए बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है इसके टायर्स वगैरह और इसी के साथ अब चलते अपने इन्वेंट्री के ऊपर तो यहाँ पे आप लोग देख लो ये वाला एक सूट आ गया वही सूट्स वगैरह रुको जरा आप हाथ में बैरल पकड़ते वो ज़्यादा प्यारी लगती है तो ये एक्सूट आ गया और तकरीबन सारे के सारे एक्स्ट्रा मिथिक है इस अकाउंट के अंदर टोटल मिथिक एक सौ इकतीस है और बाकी के जो मिथिक्स हैं ना वो सारे एक्स्ट्रा और बाकी रॉयल पास वाले हैं तो मिथिक भी आप लोग देख लो काफ़ी ओपी ओपी मिथिक है वीडियो थोड़ी सी मैंने फास्ट कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है तो यहाँ पे ये वाला मिथिक है ज़्यादातर मिथिक्स मिथिक, मिथिक फौज वाले है और रेयर भी है अच्छे भी है तो इसी के साथ ये अपना इन्वेंडर सेट ये वाला मिथिक जो कि मैं यूज़ करता हूँ और ये सीज़न एट के रॉयल पास वाला ये अपना मलंग सेट और मलंग सेट का मैं आप लोगों को इमोट भी दिखाता हूँ ये देखो यू नो ये जो मैं क्लच के बाद मारता तो हूँ तो ये वो वाला इमोट है तो थे हम जी मलंग सेट के ऊपर हाँ ये अब आपके भाई का सीज़न नाइन का आउटफिट हो गया है और ये बाकी के रिसोर्सेज भी नहीं डाउनलोड ना यार मेरे पास तो मैंने तकरीबन अभी पिछले दिनों ही डिलीट किए थे यार गेम ने बहुत ज़्यादा स्पेस ली हुई थी तो ये आपके भाई का सीजन इलेवन का आउटफिट हो गया और उसके अलावा मम्मी सेट भी है इसमें येलो मम्मी सेट और फ़ैरो की जो बहन है वो वाला सेट भी है मतलब कि वो वो सेट है जिनका मुझे नाम भी नहीं पता तो इधर सीजन फोरटीन का आउटफिट और म, येलो मम्मी सेट हो गया अपना और उसके अलावा अपना ये फेरो की बहन वाला आउटफिट ये वाला ये भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है पहनावा और उसके अलावा जैसे जैसे नीचे स्क्रोल करते जाएंगे मेरे रिसोर्सेज इन्हें डाउनलोड और ये मिथिक फौज वाले मिथिक्स है ये वाला मिथिक भी काफ़ी अच्छा है ये गाड़ियों के साथ आया था ज़रा अपने सींग पहन लेते हैं ये अक्सर मैं पहनता होता तो हूँ ये वाला मिथिक ये और ग्रीन गाड़ी के साथ सूट भी करता है ये वाला मिथिक तो उसके अलावा एक ये वाला मिथिक है ये पता नहीं कौन सा मिथिक है पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ मैं और ये अपना फेरो आ गया लेवल टू और ये सीजन टू का आउटफिट है और उसके अलावा एक ये वाला आउटफिट हो गया ये वाला आउटफिट हो गया लेजेंड में भी काफ़ी ज़्यादा माल भरा हुआ है इसमें और इसी के साथ ये मुर्गी शुरगी वाला आउटफिट भी है काफ़ी ज़्यादा आउटफिट है मेरे रिसोर्स ही नहीं डाउनलोड यार अब मैं क्या करूँ आप ही बताओ ऊपर ऊपर से ही देख लो आप लोग और ये सीज़न टेन के आउटफिट है और सीज़न एट से इसमें रॉयल पास है और सीज़न एट से तकरीबन सारे रॉयल पास मैक्स है ठीक है अब तक के और इसी के साथ एक ये वाली लेजेंडरी है ये भी अच्छी है इसमें कोई कीड़ा ही लग रहा था बंदा और ये वाला आउटफिट है ये भी अच्छा है और बाकी सारे वही नॉर्मल जो नॉर्मल आई में होते हैं और अब चलते हैं ज़रा अपनी हेलमेट वगैरह की स्किन्स के ऊपर हेलमेट में आपके भाई के पास सबसे पहले ग्लेशियर हेलमेट उसके बाद ये वाला मिथिक हेलमेट दो मेरी आईडी में मिथिक हेलमेट्स है और उसके अलावा और नीचे रॉयल पासिस वाले हेलमेट्स है ज़्यादातर और अच्छे हेलमेट्स भी है लेकिन हेलमेट तो हाइड ही रहता है ठीक है हेलमेट की जरूरत ही कोई नहीं है तो इसी के साथ अब हेलमेट वगैरह भी आप लोगों ने देख लिए उसके बाद मैं आप लोगों को सींग वगैरह भी दिखा देता हूँ और बैक पैक की स्किन वगैरह भी दिखा दे ये हूं। है जी हमारे सींग जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट है और मैं ज़्यादातर यूज़ भी करता हूँ और उसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को इस अकाउंट में दिखाता हूँ सीजन थ्री की कैप बाबा जी आए हाय 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 तो खैर ये हेड कियर्स वगैरह आप लोगों ने देख लिए उसके बाद अब चलते हैं ज़रा नीचे एन के वगैरह की तरफ ये पट्टी होगी गई आँख वाली ये नाक पे पहनने वाला अंडा हो गया और इसी के साथ ये नीचे स्क्रॉल करते जाओ करते जाओ ये शल्टे वगैरह होगी और उसके अलावा अब चलते हैं ज़रा बैक पैक की तरफ ठीक है बैक पैक में मैं भाई एक तो ये ब्लैक वाला बैग आ गया और ये दत जाली बैक पैक ये मैं यूज़ ही नहीं करता ठीक है इसके ऊपर रिसेंटली काफ़ी इशू बना था और मुझे पसंद भी नहीं है आपस की बात बताओ तो इसी के साथ ये वाला बैक बैक पैक हो गया अपना और काफ़ी ज़्यादा बैक पैक है इसमें ओ पी ओपी अच्छे अच्छे लेकिन ज़्यादातर मैं ब्लैक वाला यूज़ करता हूँ और एक नीचे है बैक पैक किधर गया और ये वाला नहीं रुको रुको ढूँढने दो हाँ ये वाला बैकपैक ये मैं यूज़ करता तो ज़्यादातर लेवल थ्री पे ठीक है और एक वाइट वाला यूज़ करता हूँ ये टोटल तीन या चार बैग है जो मैं मैक्सिमम यूज़ करता हूँ तो यही था आज की वीडियो का चक्कर उम्मीद है आप लोगों ने प्रॉपर तरीके के साथ इन्वेंट्री टूर देख लिया उन्हें मेरा और यही आपके भाई की इन्वेंट्री थी और मैं आप बताता चलूँ कि आने वाली तीन चार वीडियोज़ तक इस अकाउंट के ऊपर गेम प्लेज नहीं आएंगे क्योंकि ये वाला अकाउंट भाई एक बंदे के पास है ज़रा वो मैं कुछ अर्से तक सिक्योर कर लूँगा तकरीबन दस एक दिन तक तो खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह आफिस टेक केयर